कंप्यूटर शिक्षक संघ कई सालों से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। प्रदेश में जयराम सरकार आने से कंप्यूटर शिक्षकों में उम्मीद जगी है कि भाजपा सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी। इसी के चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हमीरपुर दौरे के दौरान दर्जनों कंप्यूटर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत करवाया। कंप्यूटर शिक्षक संघ के प्रधान विपिन परमार ने बताया कि कंप्यूटर शिक्षक काफी समय से प्रदेश सरकार से उनके लिए ठोस नीति बनाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री से मिले हैं और उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखी हैं। उन्हें बताया कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मैं विपिन कुमार, गवर्नमेंट सिंह स्टडी स्कूल का कंप्यूटर टीचर के पद पर मैं कार्यरत हूँ और आज हम मुख्यमंत्री श्री जयराम जी से मिले और उनको हमने अपनी समस्याओं के बारे में बताया कि बड़े टाइम से हमारे साथ जो हमारे की कंप्यूटर साथी हैं वो कारण खराब बच्चों से लगे हुए हैं, तो उनके लिए कोई पॉलिसी जल्दी से जल्दी बनाए सरकार। और इसमें ये भी है कि 30 जून को हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो उसको भी अगर उसके बाद हमें एक सोसाइटी या एक किसी पॉलिसी के अंदर अंडर लाए जाए, उससे हमने सभी जो पूर्व के विधायक और इस बात को हमने प्रेसर की प्रेम कुमार धूम के साथ इसको इसे रखा हुआ है और सांसद श्री अनुराग जी से भी इस विषय के ऊपर बात हुई है कि इसे जल्दी, उन्होंने ये भी अनुराग सांसद अनुराग जी ने ये भी बोला है कि ये कंपनी नहीं है, ये एक सरकारी संस्था है केंद्र की और ये जल्दी ही हम इसे पूरा इस पॉलिसी को ध्यान में है और इसे पूरा करेंगे। वहीं कंप्यूटर शिक्षक संघ के प्रेस सचिव मनोज कुमार ने बताया कि आज अपनी मांगों को मुख्यमंत्री सांसद अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के समक्ष रखा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याएं उनके ध्यान में हैं और जल्द ही कोई न कोई ठोस नीति बनाई जाएगी। मनोज कुमार, मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टोनगिरी में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और आज हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नगाँव के पूर्व विधायक विजय गणोत्री जी की अध्यक्षता में मिले, सर्किट हाउस में मिले। वहाँ पे हमने अपनी 17 वर्षों से चला आ रहा इस संघर्ष के बारे में उनको अवगत करवाया कि हम कितने शोषित हो रहे हैं, कंपनी के माध्यम से शोषित हो रहे हैं, वो हमें समय पर वेतन नहीं देती है और अन्य भी कई समस्याएं हमारी जैसे ईपीएफ से संबंधित कई समस्याएं चल रही है जिनके बारे में हमने विजय गणोत्री जी को बताया था। उन्होंने कहा था कि अपना जो मांग पत्र है वो लेके आप सबकी तौर आइए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे कार्यक्रम था, उनका वहाँ पे प्रवास भी था कुछ समय के लिए, तो उसमें कुछ चुनिंदा समय में हम उनसे मिले, उनसे अपनी मांगें रखी और बताया कि हमें ये समस्याएं इनसे हमें कंपनी से निजात दिलाइए। और जो पूर्व में भाजपा सरकार थी उसमें उन्होंने अंतिम कैबिनेट में एक डिसीजन दिया था और हमारे लिए हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी, जो 12 में सत्ता परिवर्तन के कारण शिक्षा विभाग और जो सरकार थी उसके कारण अमल में नहीं ला पाया। हमने उसकी मांग रखी कि वो जल्द से जल्द उसी जो एजुकेशन सोसाइटी का उन्होंने मेमोरेंडम उस समय पास किया था कैबिनेट में, उसको जल्दी से जल्दी अमल में ला के हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। क्या आश्वासन दिया सीएम साहब? सीएम साहब की तरफ से उन्होंने कहा कि आपकी मांगे हमारे ध्यान आते हैं, हम पहले भी सुनते आए उन्हें और अभी हमारी सरकार नई बनी है और हमारे ध्यान में बड़े दिनों से चल रहा है, 30 तारीख को हमारा अनुबंध भी समाप्त हो रहा है कंपनी के साथ, तो हम आपकी मांग को पूरा करेंगे।